चर्चा में भी आप एक्ट किए थे निरहुआ जी के एल्बम में, उसमें हाँ, एक अलग आपका एक्ट दिखा था। वो मेरा बहुत ही प्यारा और फेवरेट एक्ट है, उसमें मैं एक मंद बुद्धि बालक का मैं करेक्टर कर रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से मैच्योर हो करके भी, बॉडी मैच्योर हो गई है, माइंड मैच्योर नहीं है। तो उसमें दिनेश भैया ने मेरे काम को बहुत सराहा था, और सच कहूँ तो मेरे गुरु दिनेश भैया हैं एक्टिंग के लिए, वो मुझे हर काम के लिए, क्योंकि उन्होंने इससे भी पहले होली में सूचना जारी बार टू में फर्स्ट में उन्होंने स्टूडियो में ही शूट किया मेरे साथ, और मुझे बताया कि नहीं देखो ये ऐसे हम आपके साथ ही करेंगे। वो गाना हम लोग का वन डे 5 मिलियन गया था, बहुत ही अच्छा लगा उस समय। और उसके बाद से फिर ये छठ वाले गाने में, इस गाने के लिए भी मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला, लोगों के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, पोस्ट पर तमाम कमेंट्स किए, नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब वो एक साल पहले वाला सिनेमा जो है उसको अब करते हैं, थोड़ी हिम्मत मिल रही है। तो सुनने लगा कि होली में सूचना जारी का पार्ट टू भी लेके आ रहे हैं। हाँ, पार्ट टू भी शूट होकर के रखा हुआ है, और जब थोड़ा दिनेश भैया बिजी हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे तो कुछ उसमें करेक्शन है वो करके फिर हम लोग रिलीज पे लगाएंगे। तो होली में धमाका लाएंगे। हाँ, होली में फिर धमाका लगाएंगे। चलिए, अपने फैंस और अपने दर्शक, इस फिल्म को कब तक देख सकेंगे दर्शक? ये फिल्म मार्च बाद आएगी। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि एक नए कॉन्सेप्ट पर मैं ये फिल्म लेकर के आ रहा हूँ, और इसमें कोई अश्लीलता नहीं है और सारी रियलिटी है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी भी लग सकती हैं, ख़राब भी लग सकती हैं। तो आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर दें, और आशीर्वाद, धन्यवाद। आशीष जी, आपको सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं और बधाई हो नए साल में एक नई शुरुआत करने की। क्या कहना चाहेंगे जो एक नई शुरुआत, एक नई पहल किया है आपने? सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं मुझे आपके चैनल के माध्यम से, उन सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नववर्ष मंगलमय हो आप सभी का। और नए साल में नई शुरुआत की बात कहें तो हम लोग एक अलग अलग गेटअप में नज़र आ रहे हैं, और एक फिल्म हम लोग कर रहे हैं गौरी शंकर, तो उसी के सेट पर हम लोग हैं आज, और शूट चल रहा है अभी। जिसमें गौरी कौन है, शंकर कौन है? गौरी मैं हूँ और शंकर भी मैं हूँ। तो ये डबल किरदार क्या माजरा है? इसमें मेरा ट्रिपल किरदार है, तो वो फिल्म देखेंगे लोग तब समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल गौरी एक किन्नर है और कुछ मजबूरियों के कारण वो बाहर कमाने जाता है, तो उसे शंकर बनना पड़ता है जी। इस फिल्म से समाज को क्या मैसेज जाने वाला है? इस फिल्म में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक जो है कि किन्नर समाज को जो दरकिनार करके रखा जाता है, जो उन पर जुल्म होते हैं, जो उनको अवॉइड किया जाता है, जो उनको सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, उस पर ये एक फिल्म बनी है। तो एक किन्नर कैसे एक बेटी का पालन पोषण करता है और अपने आप का भी कद बड़ा करता है, अपने समाज का भी कद बड़ा करता है, ये उसी पर आधारित एक फिल्म है। इस सब्जेक्ट पे कैसे विचार आया कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए और खुद एक्ट करना चाहिए? एक्चुअली जो हमारे कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट राइटर हैं नवीन जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई इस करेक्टर के लिए आप मुझे परफेक्ट लग रहे हो, अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो बताओ। तो फिर हम लोगों ने मिल करके एक मीटिंग की, और मुझे लगा कि नहीं ये काम मुझे करना चाहिए। हीरो तो एक्शन हीरो तो बन सकता है कोई भी, सबको अच्छा लगेगा, लेकिन ये एक चैलेंजिंग कैरेक्टर लगा मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। एक संगीतकार, एक अभिनेता के तौर पे अपने आप को कैसे, कहाँ स्थापित कर सकते हैं? मेरे हिसाब से आपको मौके नहीं छोड़ने चाहिए, अगर वो मौका अच्छा है तो आपको वो मौका नहीं। भैया कह रहे थे कि एक तरफ संगीतकार और एक तरफ एक्टर, दूसरी दोहरी भूमिका निभाते हुए अपने आप को कहाँ स्थापित करते हैं? मेरे हिसाब से इंसान को कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले, मौके मिले, और वो मौका अच्छा हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उससे फ़ायदा हो या ना हो लेकिन एक सीख ज़रूर मिलती है। तो मुझे लगा कि नहीं, एक म्यूज़िक डायरेक्टर होने के नाते नाते मुझे एक्टिंग भी करनी चाहिए, और मेरा बचपन से ये रहा है, मैं थिएटर वगैरह करता था तो बड़ी इच्छा रहती थी कि नहीं मैं भी एक दिन हीरो बनूंगा, लेकिन इंडस्ट्री को कुछ और मंजूर था तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बना, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, सारे तरफ से बधाइयाँ आ रही है, सारे स्टार्स की तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं कि बाबू अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि मेरा ये फैसला बहुत ही सही था। तो संगीत को, म्यूजिक को कितना समय दे पाएंगे एक्टिंग करते हुए? मैं कुछ चुनिंदा 4-5 फिल्में साइन किया हूँ अभी, तो मैं फिर अपने म्यूज़िक करियर को और एक्टिंग करियर दोनों को देख करके, टाइमिंग दोनों का मैच मिक्स करके हमने किया है, और मैं म्यूज़िक नहीं छोड़ सकता करना, क्योंकि वो मेरा आधार है,
उससे मेरी पहचान है, और एक्टिंग कर रहा हूँ तो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगूंगा, हिम्मत मांगूंगा कि दोनों काम ना छूटे। तो नए साल में नई शुरुआत के साथ साथ नए साल में और क्या क्या धमाका आप करने वाले हैं? नए साल में कुछ गाने आने वाले हैं, अभी मैं स्टूडियो से आया हूँ सेट पर, तो मिक्स करके आया हूँ, और तमाम यहाँ पे हमारे सारे लोग, ज्ञान जी, विशाखा जी, हमारे टेक्नीशियन मुर्गन जी, नवीन जी, आनंद जी, सारे लोग यहाँ पे हैं, और इन सारे लोगों के सपोर्ट से मैं ये इतना बड़ा काम कर पा रहा हूँ, और मैं कह नहीं सकता कि इन लोगों का कितना बड़ा प्यार और कितना बड़ा आशीर्वाद मुझे ये लोग दे रहे हैं, और ये फिल्म हिट हो या फ्लॉप, लेकिन एक नया अनुभव ज़रूर मिल रहा है। जैसे भी आपने बताया कि आप थिएटर से जी जुड़े रहे हैं, तो थिएटर से या कोई कलाकार जो सच्चा होता है, कोई भी किरदार करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च करता है जी, जी, उस किरदार रियल किरदार जाके मिलता है, तो आपने जो गेटअप लिया है इस किरदार ढलने के लिए, आपने कहाँ से किससे सीखा? एक्चुअली सर, ये फिल्म मैंने एक साल पहले साइन करी थी, उस समय मैंने किसी को, हमारी टीम ने बताया नहीं था, तो उस एक साल के अंदर मैं मुंबई में रह के और यहाँ रह करके बनारस दोनों जगह आ जा करके मैंने एक रिसर्च किया, और दो चार किन्नर लोग मेरे दोस्त हैं एज ए सिंगर, एज ए को आर्टिस्ट, बड़े बड़े चैनलों में सीरियल्स में काम करने वाले, तो उनसे मैंने उनका एक्सपीरियंस लिया कि मतलब एक किन्नर को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर एक किन्नर को ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो कहाँ तक उसका दायित्व निभा सकता है या उसको पूरा कर सकता है। तो ये एक साल का पूरा कोर्स चला हुआ है, जो कि मेरे साथ बॉम्बे से विशाखा जी हैं, ये भी किन्नर हैं, और ये असली नहीं है, ये मेरी गुरु माँ बनी, ये ज्ञान यादव जी हैं, बड़े भैया, और मतलब ये अनुभव मुझे उन्हीं लोगों से मिला, और मैं उन लोगों से सब कुछ पूछ करके सीख करके तब मैं इसको कर रहा हूँ। विशाखा जी ने कितना सिखाया आपको? हाँ, विशाखा जी तो तीन दिन से मुझे अभी कंटिन्यू, हम लोग एक होता है कि ओल्ड किन्नर, ये आपके सामने है, एक यंग किन्नर कैसी होनी चाहिए, तो इनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो हम लोग आज सुबह में शूट किए हैं, बहुत सारा खेल वगैरह शूट किए हैं, गेम्स वगैरह शूट किए हैं, एक अलग टाइप की ही छवि किन्नरों की आएगी, क्योंकि उनकी एक अपनी दुनिया होती है, वो सब कुछ करते हैं जो हम अपनी दुनिया में करते हैं, सिर्फ वो बच्चे नहीं पैदा कर पाते और न प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन बाकी वो सारी चीज़ें, होली, दीपावली, खाना, खेलना, वो सुख दुख, वो सारी चीज़ें उनके पास है, वो सारी फीलिंग्स उनके पास है। किरदार के लिए भैया ने बोला तो हम कहे कि भाई अब चैलेंजिंग है, बाकी ट्राई करते हैं। इनको तो हमने बोला जब ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो आप बड़े भाई हैं, तो आप गुरु माँ बन करके आप ही आने। गुरु माँ का रोल अभी तक लोगों ने कहा कि अच्छा कर रहे हैं, तो है, बहुत अच्छा करेक्टर है, और फिल्म देखने पर मजा आएगा सबको। जो भी आश्रम हिट चल रहा है वेब सीरीज, कहीं उससे इंस्पायर आपका किरदार जपनाम वाला तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरी इसमें अच्छी छवि है, मैं अब गुरु माँ हूँ, तो भाई किन्नरों की गुरु माँ हूँ, तो इनको अच्छे नसीहत पूरा और सारा कुछ समझाना पड़ता है, कैसे जाओ, ये करो, वो करो, एक गुरु की तरह। रियल लाइफ में किस तरह से जो है आपका और आशीष जी का गुरु शिष्य या भाई या दोस्त का? नहीं, भाई हैं हमारे, छोटे भाई हैं। हाँ, देते हैं ऐसे मौकों पर, मैं देता हूँ नसीहत, और ये भी हम लोगों की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कोई चीज़ हो तो हम लोग बात कर लेते हैं आपस में। विशाखा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? मुझे बहुत खुशी मिली कि हमारे किन्नर समाज के ऊपर हमें आगे बढ़ने का, और हमें अन्य लोगों के साथ उठना बैठना हर एक चीज़ का अधिकार मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साहित करा जा रहा है, ये सब देख के मुझे बहुत खुशी लगा, और खुशी भी मिली, भैया ने मुझे कहा, मैं तुरंत भैया के बुलाने पे आ गई यहाँ पे। ये पहली बार आप फिल्म में काम कर रही हैं? नहीं, मैंने इससे पहले शक्ति सीरियल में काम किया है मुंबई में, और एक बाल गोविंद बंजारा उसका सॉन्ग है उसमें की हूँ, दो तीन सीरियल वगैरह और मूवी में काम की हूँ। जब इन्होंने ऑफर दिया आशीष जी ने कि आपको हमारी फिल्म में करना है और आपको हम लोग को ट्रेंड भी करना है जी, तो क्या आपका रिएक्शन था? क्या कहा? हाँ था, क्योंकि भैया के साथ पहले से हमारा आना जाना उठना बैठना था, एक दूसरे को पहचानते थे। तो आप सिंगिंग भी करती हैं? नहीं, नॉर्मल तरीके से, जैसे इनकी फ्रेंड सिंगिंग करती है, तो वो रानी आती थी, हाँ, स्टूडियो पे, तो ये आती थी।
तो आपके कई गाने हिट रहे हैं जैसे ठीक है या अभी जो है हेलो कौन जी, तो क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कर दिया, थैंक यू। आप सभी दर्शकगण को, श्रोता समाज को, 700 प्लस मिलियन हो गया, 700 प्लस, तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से यहाँ से मैं दसों नुह जोड़ कर प्रणाम करता हूँ कि जैसे मुझे म्यूज़िक के फील्ड में आपने आशीर्वाद देते हैं आप लोग, और आपने आशीर्वाद दिया है, वैसे मुझे एक्टिंग की के लिए भी मेरी चीज़ों को जहाँ अच्छी लगे वहाँ सराहें, और जहाँ ना अच्छा लगे वहाँ कमेंट करके ज़रूर आप अपने चैनल पर बताएँ कि नहीं आपको ये सुधार करना चाहिए, ये अच्छा करना चाहिए। तो बस इसी आशा उम्मीद में मैं रहता हूँ कि आप लोग का प्यार आशीर्वाद जैसे मिल रहा है वैसे ही मिलता रहे।